अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। तो आज बना रही कढ़ी और सारा घर का काम हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है, क्लीन हो गया, सबने नहा धो लिया है और बस आज हरी सब्जियाँ खा खा के बहुत बोर हो रहे थे। तो आज कुछ अलग सोच रहा कि कढ़ी बनाने का मन हो रहा था, तो आज कढ़ी बनाई है। तो मैंने कढ़ी बनाने के लिए रख दी है, एक साइड मैं चावल बना रही हूँ और एक साइड कढ़ी बन रही है। और कढ़ी के साथ चावल ना हो ये तो हो ही सकता। कढ़ी का कॉम्बिनेशन चावल के साथ बहुत ही अच्छा होता है, सभी को पसंद है कढ़ी चावल। और आप लोग भी कमेंट करके बताना मुझे किस किस को कढ़ी चावल पसंद है, किस किस को अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों को सबों के तो बहुत फेवरेट है कढ़ी चावल, हमको सबको अच्छे लगते हैं, बच्चों को, मेरे को, सभी को। और तो उसमें चावल बने रख दिए और कढ़ी बनके रेडी तैयार हो गई है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है कढ़ी का और कितनी अच्छी देखने में लग रही है। उतनी देखने में अच्छी लग रही नहीं कढ़ी, उतनी इतनी टेस्टी भी कढ़ी बनी थी और आधे से आधा कढ़ी ख़त्म भी हो गई थी उस टाइम पे। शाम के टाइम थोड़ी सी बची थी और ये अब चावल ही बन के रेडी हो गए हैं। तो बस मैं सबको खाना निकाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं सभी के लिए खाना निकाल दिया है, सब लोग खाते जा रहे हैं खाना और मैं थोड़ा गैस वेस साफ़ करके खाऊंगी खाना बाद में। तो पहले मैंने बच्चों को निकाल दिया और चलो जो लोग खाना खाते हैं फिर बाद में मिलते हैं। देखिए मेरा कितना प्यारा गुलाब है, कितना शोफील है। ओ उसमें कीड़ा बैठा हुआ है गुलाब के अंदर, देखो कितना प्यारा कीड़ा बैठ गया इसके अंदर, मधुमक्खी बैठी हुई है। कहाँ है? अनु क्या हुआ आपको बेटा? क्या हुआ? अरे अनु आप रो क्यों रहे हो? ओ, 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 ओ। इतना गुस्सा नहीं दिखाते। ओ, ओ, ओ। क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहा है? क्या हुआ? तो सर आप भी कर रहे हैं, अलीशा आप भी कर देंगे ना आपका मेकअप? तो सब सुबाइले से करा लो। क्या कराओगे मेकअप में? आपको कराना है मेकअप? कैसे मेकअप कराना है? लिपस्टिक लगाना है? तो सामने आईना लगाना है? नहीं, मुझे अलीशा ने किया था ना सर पे, मुझे अलीशा का कर दी थी बाहर रात को। ऐसा वाला आईलाइनर वो वाला बोल रही है देखो स्टोर में ही आईलाइनर लगा रहा है, स्टोर में ये करना है, सारा कराना है वो। चलो सनापी निकल रही है अभी, मैं सनापी से कराता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अनु को मेकअप करना था इसलिए रो रही थी और वो नाराज़ हो गई थी कि मुझे मेकअप करना है, क्योंकि अभी कल अलीशा ने सुमाइला ने मेकअप करा था तो इसलिए उसको भी लग रहा है कि मैं भी मेकअप करूँगी। तो बस मेकअप की जिद करके बैठी हुई थी तो मेकअप कर रही है। तो सुमाइला और सनस का मेकअप कर रही हैं, सारा मेकअप का सामान निकाल के। और देखिए वो सो भी गई है शायद, उसको नींद आ गई मेकअप करते करते। तो ये देखो तो कितनी प्यार से मेकअप करवा रही है, अल्लाह ये सो रही है मेकअप करवा रही है, सो गई मेरे ख्याल से। ये नहीं जग रही है, नहीं सो गई, इसको नींद नहीं। अच्छा बस 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 ठीक है। अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, अल्लाह। देखिए लोगों का मेकअप हो रहा है, देखिए देखो सब लोग उसका मेकअप करने में लगी हुई हैं, उसको नींद आ रही है और आप उसको मेकअप करने में लगे हो। सोने देना उसको ऐसे, बस 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 ये मत लगाओ उसके ज़्यादा कुछ। तो मेकअप करते करते अनु तो सो गई थी। ऐसा होता भी है ना कि अगर अपने कोई मेकअप करे या कोई करे तो नींद सी ऐसे अच्छा सा लगता है, तो नींद सी आने लगती है। तो उसको भी अच्छा लगा, अनु को मारा मेरा तो वो सो गई थी और सो के उठी थी बाद में। अनु आप उठ गए क्योंकि आपको मेकअप करा हुआ इसके साथ। अच्छा खाना खाएंगे पर अपन, मम्मी खाना खा रही है, अनु भी खाना खा लेगी भाई। अच्छा आ जा,
तो बस खाना खाते ही थोड़ा रेस्ट करा और शाम इवनिंग का टाइम हो गया था, तो बच्चे बस छत पे अपने खेल रहे हैं बैडमिंटन। क्या करते आ रही है क्या बच्चे? बगा 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 सना सना बीटी मारी तो चाटे दिखा रही है, सबको दिख रहा है किस्सू की और सना की हरकत दिख रही है इसके अंदर। तुम खेलो क्या मजाक कर रहे हो? एक खेलो क्या मजाक करो, तरीके से खेलो ना। तो बस बच्चे खेल खेल में तो लड़ते हैं, और बच्चे खेल में लड़े नहीं तो ये खेल होगा ही नहीं उन लोगों का। बस थोड़ा नोक झोंक होती रहती है बच्चों में, तो बस थोड़ा सा इस तरीके से खेलते कूदते बच्चे और नोक झोंक करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है बच्चों में, तभी खेलने में मज़ा आता है बच्चों के खेल में जो। और कोई बस बच्चे लॉकडाउन में ही अपना टाइम पास कर रहे हैं आपस में खेल के। कितना सारा काजल लगाया आज तो उन्होंने। तो बस ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और मैं भी बैठी हुई हूँ, बच्चों को देख रहे हैं गेम बच्चे खेल रहे हैं तो, और इनका फ़ोन आया हुआ है फ्रेंड का तो बात कर रहे हैं फ़ोन पे। तो बस और बच्चों को खेलते खेलते अब भूख लगने लगी तो चाय का टाइम हो गया था ठीक है, तो बस बच्चों ने बोला कुछ मम्मा बनाओ स्नैक वगैरह, तो एकदम से बस बच्चों ने बोल दिया ऑर्डर कर दिया, तो बस बनाना है कुछ ना कुछ। तो बस मैं आज बना रही हूँ कुछ, देखती हूँ क्या बनता है। तो मेरे पास आलू उबले रखे हुए थे और तो उसमें कटलेट बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा तो आलू रखे हुए तो मैंने पोहे भगो के कटलेट बना रही हूँ आलू पोहे के। तो बस इसके अंदर मैंने पोहे और आलू और धनिया मिर्च प्याज सब कट करके डाल दिया है और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया, नमक डाल दिया थोड़ा सा अपने आवश्यकता अनुसार, और उनको मैंने दो शेप में कर लिए, दो शेप दे दिए इनको मैंने, एक लंबा शेप दे दिया एक गोल शेप दे दिया। आप किसी भी तरह के शेप में दे सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, तो एक गोल टिक्की के शेप में भी बना दिए मैंने और एक लंबे कटलेट के शेप में भी बना दिए। तो उनको मैं तवे पे भी थोड़ा थोड़ा तेल ला के फ्राई कर सकते हैं इनको, लेकिन मैं इनको डिप तेल में फ्राई करूँगी। और मैंने एक तरफ चाय बने रख दिए थोड़ी सी, बस इनको और मेरे लिए चाय पियेंगे हम लोग, थोड़ा मैंने ऑल गर्म करने रखा है, तो फिर इनको मैं ऑल में ही सेकूँगी इनको। आप खाओगे नैनू? ऑल में ही सेकूँगी इनको डिप तेल में, क्योंकि जल्दी सेक जाएंगे और अंदर तक सेक जाएंगे, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता दही पे सेकने के लिए, इसलिए मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो बस इनको मध्यम मीडियम आँच पे इनको सेक लेना है, ज़्यादा हाई आँच पे नहीं सेक रहे, नहीं तो जो ऊपर सेक जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इनको मीडियम आँच पे ही सेकना है। तो बस ये सिक्के बन जाएंगे। तो ये खाने में बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टेस्टी लगे थे, सभी को बहुत अच्छे लगे खाने में।
और बच्चे बोले थे मम्मा फिर दोबारा से बनाना, और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, और कुछ थोड़ी सी चीज़ों से ही बन जाती है, बस दो तीन चीज़ों से, उसमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है और टेस्टी बन जाती है। और तो बस घर में अगर आपके आलू रखे हों भूले हुए तो आप उससे आराम से बना सकते हो, पोहे भी आपके घर में ही होते ही हैं। और तो बस ये, और रमज़ान के टाइम पे भी ये रेसिपी पर बना सकते हैं अफ्तारी के टाइम पे। और आपको हाँ रमज़ान की भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं आपको, तो आपको सब रमज़ान कल से चालू होने वाले हैं, तो मैं आप सभी को मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और ये रमज़ान का महीना हम सभी के लिए खुशियाँ और अच्छा आए। देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बने, कितनी आवाज़ आएगी ना कल का की, आइए बस कितनी क्रिस्पी बनेगा तो के दिखाओ। वाओ वाओ कितनी देखो यम्मी, पास में ये सब पास में कितनी क्रिस्पी है, और उसको चटनी के संग देखो कितनी क्रिस्पी है ना क्रिस्पी। तो फिर देखिए इवनिंग की स्नैक बनके तैयार है, और ये फाइनल लुक है, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, उतने ये खाने में बहुत यम्मी टेस्टी लगे थे, बच्चों को तो मज़ा आ गया था आज इवनिंग स्नैक में खाने में। और आप भी ट्राई करिएगा एक बार, बहुत जल्दी बन जाते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी, तो अगर मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो अगली नेक्स्ट वीडियो मिलती है, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।